लखनऊ में बदमाश ने एक सर्राफा व्यापारी से लाखों की लूट को अंजाम देकर फरार हो गया। मामला जानकीपुरम का है, जहां कृष्ण कुमार सोनी नाम के सर्राफा व्यापारी जब रात को दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए दो बदमाशों के ने आगे से इनका रास्ता रोका और बदमाशों ने पीछे से सर्राफा व्यापारी का बैग लूट कर मौके से फरार हो गए। लूट के शिकार सर्राफा व्यापारी ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की धर पकड़ में जुट गई है। जंगपुरम क्षेत्र में कृष्ण कुमार सोनी, उनकी ज्वेलरी शॉप है। आज रात में अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार चार लोग थे, जिन्होंने इनसे इनका बैग छीन लिया। घटना में तो सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की यह खबर है आपको हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि एक आम इंसान, एक आम कारोबारी अपने ही शहर में कितना सुरक्षित है, उसकी मेहनत की कमाई कितनी सुरक्षित है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राशिद से। राशिद, कब की घटना है ये और क्या कुछ अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, जैसे बताना चाहेंगे, ये लखनऊ का जानकीपुरम थाना क्षेत्र की जो घटना है, ये सर्राफा व्यापारी जी है। ये अपनी दुकान बंद करके कृष्ण कुमार जी करीब लगभग 10:30 बजे रात में ये घर के लिए जा रहे थे, जहाँ पर रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने इनसे जो भरा बैग में पैसे भरे हुए थे, जिसमें सोने चांदी रखे हुए थे, वो लूट कर वो फरार हो गए। हालांकि देखने वाली बात ये है कि जिस जगह पर ये घटना को अंजाम दिया गया था, ये बेहद ही एक बहुत ही सुनसान एक रास्ता है। जिस रास्ते से ये व्यापारी जा रहा था, वो बहुत ही सुनसान इलाका है। पूरे मामला अभी तक लगातार अभी देखा जा रहा है, जिस तरह से अपडेट देखा जा रहा है, जिस तरह से पूरा मामला संदिग्ध बना हुआ है अभी इस पर। जी, तो क्या कोई अंदेशा है, संदिग्ध है कोई, जिसके बारे में सर्राफा व्यापारी बता रहा है? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से घटना का जो मोटिव वो बता रहा है, जिस हिसाब से पीड़ित उसके हिसाब से जो लग रहा है कि जैसे कि वो रास्ते से हमेशा वो घर के लिए जाता था, वो रास्ता ना जाकर आज उसने कल उसने अचानक से वो रास्ता ही चेंज कर दिया था। और जिस रास्ते से वो निकल रहा था, वो बहुत ही सक्रिय गली थी, पतला रास्ता था, जिसकी वजह से इस घटना को उसके साथ में अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में जो लखनऊ एसपी हैं, उनका पूरा मामले में ये कहना है कि पूरी तरह से इस घटना को जो है पूरा संदिग्ध के तौर पर देखा जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे सर्राफा व्यापारियों के लिए या फिर एक आम इंसान के लिए सचेत होने वाली बात है, क्योंकि राजधानी में ऐसी घटना लोगों के जहन में कई सवाल खड़े कर देती है कि शाम के समय अपनी चीज़ों के साथ या फिर अपनी जान के साथ, सामान के साथ वो कितने सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।